नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर से बमबारी की घटना सामने आई है, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के पास चाय टपरे पर शनिवार की देर रात सुअरमार बम चलने से दहशत मच गई। दुकान के सामने गाली गलौज करने से रोकने से नाराज बदमाशों ने बम फेंके। एकाएक बम की आवाज सुनकर आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। घटना के बाद वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद गड़ा थाना पुलिस पहुंची। इस बमबारी की घटना में 3 लोग घायल हो गए, जिनका उपचार मेडिकल अस्पताल में हो रहा है। आरोपित राहुल काला गोरखपुर थाना क्षेत्र का बदमाश बताया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज के सामने जयंती नाम की युवती की दुकान है। शनिवार को रात जब जयंती अपने दो भाई के साथ दुकान बंद करने जा रही थी, उसी समय कुछ युवक आपस में बात विवाद करने लगे। विवाद के दौरान गाली गलौज कर रहे थे। जयंती ने विवाद करने वालों को दुकान से आगे जाने को कहा, जिससे नाराज होकर आरोपितों ने सुअरमार बम फेंक दिया। इस घटना में जयंती को तो चोट नहीं आई, पर दुकान में मौजूद जयंती के भाई अंकित और नारायण बर्मन को बम के छर्रे शरीर में घुस गए। दोनों का मेडिकल कॉलेज में इलाज करवाया गया। जयंती ने बताया कि बम पटकने के बाद आरोपित एक दूसरे को राहुल काला और भूपेंद्र नाम से संबोधित कर रहे थे। घटना के बाद पुलिस ने मौके से सुअरमार बम के अवशेष जुटाए और आरोपियों की पतासाजी शुरू कर दी। CSP देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि राहुल काला क्षेत्र का शातिर बदमाश है, जिसके खिलाफ कई मामले दर्ज है, जल्द ही उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।